एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं वंदना। कैसे हो आप सब? केम छो तुम? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा मोगे। वेट अ मिनट, एक कमेंट आई थी तो आज का वीडियो बेसिकली उसके ऊपर ही है। ओके, तो मेरी एक व्यूअर ने मुझे कमेंट की थी कि दीदी आप ना हमें एक ऑलराउंडर पिक बताएं जो एंटी एजिंग का काम करे, स्किन वाइटनिंग का काम करे, साथ ही साथ स्किन को क्लीन करने का काम करे, पॉलिश करने का भी काम करे। आप ना ऐसे इंग्रेडिएंट को चूज करना जो हमें इजीली मिल जाए या तो हम सबके घर में अवेलेबल हो। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको जो पिक बताने वाली हूँ ना, उससे बढ़िया कोई एंटी एजिंग का काम नहीं कर सकता है। और अगर सीजन के हिसाब से देखा जाए ना, तो वैसे भी ये परफेक्ट है। और अगर खास करके आपको ना विजिबिलिटी जो हमारी स्किन के ऊपर होती है, फाइन लाइंस और खास करके पिगमेंटेशन, या तो आप छोटी छोटी जो यहाँ पर दरारें पड़ गई होती है, या तो आप मान लो कि झाइयाँ है आपको, झूरियाँ है, उसको आपको फेड करना है, लाइटन करना है, या तो आपको आपकी स्किन को फिर से यूथफुल रेडियंट बनाना है ना, तो ये DIY आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड अमेजिंग बात ये है कि ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को आप डेफिनेटली शेयर कर सकते हो। शेयर करना, लाइक करना टोटली फ्री है। तो मैंने तो ऑलरेडी यहाँ पर जो फेस पे कहना वो बना के रख लिया है, और ये तो कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है इसको अप्लाई करने का। बट अभी मैं क्या कर रही थी कि पूरे दिन मैंने थोड़ा शूट किया था, दो तीन वीडियो शूट किए थे, तो कभी कभी क्या होता है कि हमें फ़ैन बंद कर कर वीडियो को शूट करना पड़ता है, तो काफ़ी पसीना होता है, तो धूल मिट्टी हमारे चेहरे के ऊपर पूरे दिन में काफ़ी चिपकी हुई होती है। तो इवन आपको स्किन को क्लियर करना है ना, तो ये भी आपको काम आएगा। तो बेसिकली सबसे पहले आपको जो इन्ग्रीडियंट लेना है वो है, जो पाउडर लेना है वो है रोज़ पाउडर, रोज़ पेटल पाउडर, गुलाब की पत्तियों का जो पाउडर होता है वो आपको एक चम्मच लेना है। मे बी आपके पास पाउडर नहीं है, आपके घर में गार्डन है, तो आप फ्रेश गुलाब को तोड़कर उसको अच्छे से धोकर उसकी पेस्ट भी ले सकते हो, यानी फ्रेश पत्तियाँ भी आप यूज़ कर सकते हो। गुलाब का जो पाउडर होता है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्लिंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, एस्ट्रिजन प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारी स्किन की मेजोरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेहतरीन काम करता है। सेकेंड, यहाँ पर जो पाउडर यूज़ करना है, जो आज से नहीं सालों से यूज़ होता आ रहा है, वो है चंदन पाउडर। अब आपने आपकी नानी को या मम्मी को या अपने दादी को चंदन को रोज़ में थोड़ा सा इस तरीके से यू नो कूटते हुए देखा ही होगा, क्योंकि पहले के ज़माने में इस तरीके की ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थी। तो आप बेसिकली चंदन को यूज़ कर सकते हो अपनी ब्यूटी को निखारने के लिए। तो आपको क्या करना है कि एक चम्मच चंदन पाउडर लेना है। नेक्स्ट आपको इसमें डालना है एलोवेरा जेल। अब एलोवेरा जेल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, बट मुझे लगा कि थोड़ा सा आज मुझे यू नो हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाला है। नेक्स्ट आपको इसमें डाला है रोज़ वाटर यानी गुलाब जल। अब आप सोचेंगे कि ऑलरेडी आपने रोज़ पेटल पाउडर लिया है, तो यहाँ पर रोज़ वाटर को यूज़ करने का क्या कनेक्शन है? तो आप सबको पता है कि अभी गर्मियाँ चल रही है, स्किन वैसे ही हमारी काफ़ी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डल पड़ जाती है, पसीने की वजह से सारा हमारा जो चेहरे का वाटर रिटेंशन होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो चेहरे को इंस्टेंटली फ्रेश बनाने के लिए यहाँ पर मैं गुलाब जल एक चम्मच एड करने वाली हूँ। एंड लास्ट में आपको जो बहुत ही अमेजिंग क्लिंजर यूज़ करना है वो है रो मिल्क यानी कच्चा दूध एक चम्मच। रो मिल्क को भी यानी कच्चे दूध को भी बेस्ट क्लिंजर बोला जाता है, जो पोर्स में से डीपली सारी गंदगी को इंस्टेंटली साफ करके आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तो थोड़ा इस कंसिस्टेंसी का थिक आपका फेस पैक रेडी हो जाएगा, जो आपको हफ्ते में जस्ट दो बार यूज़ करना है। सबसे पहले आप कॉटन रुई लेकर उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालकर आप आपके चेहरे को क्लीन कर लीजिए, क्योंकि रोज़ वाटर ना पोर्स के ऊपर जो भी एक लेयर बनी होती है पसीने की और धूल मिट्टी की, उसको साफ करता है। क्योंकि इसके बाद जो भी हम कोई फेस पैक लगाएंगे ना, उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा और हमारी जो स्किन होती है ना वो क्लीन भी एट सेम टाइम पर हो जाती है। अब आपको क्या करना है कि पूरे फेस पर ऑल ओवर चेहरे के ऊपर थोड़ी थिक लेयर में ये फेस पैक लगा लीजिए। अगर मैं चंदन पाउडर की बात करूँ तो इसको ना स्किन हेल्थ के लिए प्रमोट किया जाने वाला एक बहुत ही अमेजिंग पाउडर भी बोला जाता है, जो स्किन के टेक्सचर को सुधारता है,
सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन पाउडर से एक्ने भी ठीक होते हैं, ब्रेकआउट भी ठीक होते हैं, सनटेन और पिगमेंटेशन से आपको छुटकारा मिलता है, आपका कॉम्प्लेक्शन आपको इम्प्रूव करना है, बेटर करना है तो इसके लिए भी ये काम आता है, आपकी स्किन को ये रिलैक्स करता है, इसमें भी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज होती है तो डीपली हमारी जो स्किन होती है वो साफ भी होती है। अगर बात करें यहाँ पर रोज पेटल पाउडर की तो ये हमारी स्किन को रिफ्रेश बनाने में, यूथफुल बनाने में मदद करता है, पोर्स को टाइटन करता है, नेचुरल टोनर का क्लींजर का काम भी करता है और रिंकल्स एंड ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने का काम करता है। और बाद में आपको जो इससे स्किन मिलेगी ना वो इतनी ब्यूटीफुल एंड खास करके क्लीन, यूथफुल एंड रेडियंट स्किन मिलेगी कि बार बार आपको ये फेस पिक यूज़ करने का मन भी होगा। और रोज़ पेटल पाउडर की जो स्मेल होती ना वो भी इतनी अमेजिंग होती है कि इतनी अरोमा इतनी अच्छी होती है कि आपका मूड वैसे भी काफ़ी यू नो पॉजिटिव वाइब्स वाला हो जाता है। लगाने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए 8 से 10 मिनट के लिए। चाहो तो उतने टाइम में आप आपका घर का काम, कुछ भी काम यू नो आप कर सकते हो, तब तक आपका फेस पे भी सूख जाएगा एंड आपका दोनों काम भी हो जाएगा। आफ्टर रिमूविंग फेस पैक डोंट फॉरगेट टोनर। टोनर कोई भी सीजन वो आपको अप्लाई करना ही है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। और यहाँ पर आज मैं आर्ट्स गुडनेस का ग्रीन टी पोर मिनिमाइजर टोनर यूज़ कर रही हूँ, जो जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्लियरिंग प्रॉपर्टीज होती है और हमारी स्किन को रिवाइटलाइज करने की भी प्रॉपर्टीज होती है। तो जस्ट डैब डैब कर लीजिए एंड फ्यू सेकेंड्स के लिए आप इसको छोड़ दीजिए ताकि आपकी स्किन के अंदर पेनेट्रेट हो जाए, आपको लगे कि टोनर कम्प्लीटली आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। देन लास्ट स्टेप आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको आपकी डेली की क्रीम या तो जो भी आपको सीरम सूट करता है, जो भी फेशियल ऑयल सूट करता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से, वो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा ड्राई स्किन कैटेगरी में आती है तो आप ना 100% प्योर कोल्ड प्रेस आर्गन ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये ना आपकी ड्राइनेस को कम्प्लीटली दूर करके आपकी स्किन को लॉन्ग टाइम तक यूथफुल एंड रेडियंट बनाने में हेल्प करता है। और अभी मेरी स्किन ना इतनी ज़्यादा मुझे ड्राई फील नहीं हो रही क्योंकि समर सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी ऑयलीनेस मेरी स्किन ऑयली मुझे लगने लगी है, चिपचिपी। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर डर्म डॉग का ये एंटी एजिंग फेस सीरम यूज़ कर रही हूँ विथ रेटिनॉल वाला, जो क्या काम करेगा कि आपकी स्किन को रिजुवेनेट करेगा, मेंटेन इलास्टिसिटी करेगा आपकी एंड आपकी स्किन को स्मूथ बनाएगा, प्रिवेंट करेगा फाइन लाइंस को, रिंकल्स को एंड आपकी स्किन का जो भी यू नो प्रोडक्शन होता है सेल को क्रिएट करने का, उसको ये बिल्ड करेगा। ओके सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट, आप मेरी स्किन के ऊपर देख सकते हो, मेरी स्किन आपको काफ़ी यहाँ पर यूथफुल, रेडिएंट और फ्रेश दिख रही होगी। तो ये छोटा सा फेस पिक आप ना आपकी स्किन के रूटीन में गर्मियों की सीजन में या तो आप मॉनसून सीजन में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो लाइक एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। टिल देन बाय गाइस, सी यू, लव यू ऑल, आओ जो